हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। वेरी 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 वॉर्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। हम लोग आपके लिए लगातार दोस्तों स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेजेस की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए 2021 के लिए मुझे किस स्टेट में एंट्री मिलने वाली है और किस स्टेट में नहीं मिलने वाली है। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट बनता जा रहा है। अगर हम मेडिकल हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, जो सीएम योगी जी हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो खोले जाएं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे कॉलेज खोले जाएं, हर जगह पे हॉस्पिटल्स खोले जाएं, ताकि सहूलियत हो पाए। अच्छा है, वेरी गुड। बट यस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूपी में लगातार जो है वो कॉलेजेस नए नए खुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों कि यूपी एक बहुत ही बड़ा स्टेट बन जाता है, बहुत ही अच्छा स्टेट बन जाता है इन टर्म ऑफ मेडिकल टर्म्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना इजी नहीं होता है, बिल्कुल भी मुश्किल रहता है, कॉम्पिटेटिव स्टेज रहता है यहाँ पर। तो इसके लिए अगर आपको एमबीबीएस करना है 2021 के अंदर, आपका रिजल्ट आ चुका होगा अभी तक, अगर नहीं आया है तो एक दो दिन में आ जाएगा। बट रिजल्ट आने के बाद आपको यहां पर यह देखना होगा कि मैं अगर यूपी से बिलोंग करता हूं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं यूपी से बिलोंग नहीं करता हूं तो अगर मुझे यूपी के टॉप कॉलेजेस में आकर एडमिशन लेना है तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा। कुछ यूपी की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि हर एक स्टेट का अपडेट हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं इस पूरी की पूरी नीट 2021 की काउंसलिंग में। तो मेक श्योर अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए बेटा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ सबसे पहला रूल जो है वो ये है भैया, आपको फटाफट से कमेंट कर देना है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के, ये आप सबको पता है, ठीक है जी। जिनको नहीं पता है वो इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने हमारे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किए थे। डॉक्टर रमेश माने और डॉक्टर चैतन्य माने, ये दोनों आईएएस ब्रदर होंगे। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर प्रणव सर, बहुत मस्त वीडियो बनाई है आपने, इसी की मुझे जरूरत थी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। प्रिया रानी सिंह, डॉक्टर शामिल चौहान और डॉक्टर श्रेया यादव, ये वो स्टूडेंट्स हैं भैया जो हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि यार सर आप आइए और हमारे लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाइए, ताकि आप लोगों की 2021 में हेल्प हो पाए। चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक है जी? उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग में सेकंड राउंड तक की गेम देखते हैं क्या है, कब की? 2020 की। 2020 की क्लोजिंग जानना क्यों जरूरी है बेटा? वो इसलिए जानना जरूरी है, तभी तो 2021 की निकालेंगे, तभी तो एक एक्सपेक्टेड पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि हाँ यार अगर 2020 में इतने भी क्लोज हुआ है तो चांसेस आर देयर कि हाँ 2021 में इतना होगा। डेफिनेटली उससे कम ज्यादा तो हम फिगर आउट करते ही हैं, क्यों? क्योंकि कभी पेपर का डिफिकल्टी लेवल आता है, हमने देखा है 2021 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था अगर हम 20 से कंपेयर करें तो, है ना। तो यहां पर आप देखिए क्या है, जनरल कैटेगरी में 616 पे क्लोज हुआ था, 13148 रैंक पे, ठीक है जी, 13148। जीएमसी बस्ती इनको मिल गया था। ओबीसी 616 पे 13155। मैं पहले आपको यहां पर ये बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बताएंगे 2021 का एनालिसिस कैसे करेंगे। एससी कैटेगरी 525 66916, जीएमसी बाना यहां पे मिला था इनको। एससी 502 85254। इसी तरीके से ये बाकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 616 और 13169। जनरली अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल को देखें तो सेम ही चल रहा होता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। एससी एसटी में काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं अपने 2021 के एनालिसिस की। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, राइट, जिसपे हमने रैंक वर्सेस एनालिसिस की बात करी थी। अगर वो नहीं देखी तो जाके फटाफट से चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ अगर 2021 के एनालिसिस की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि यार रैंक तो लगभग सेम ही होता है, तो क्या 13,000 पे क्या मार्क्स बन रहे हैं, चेकअप कर लें। चलिए मैं चेकआउट करता हूं और आपको बताता हूं कि हमने क्या एनालिसिस किया था। 13,000 के करीब जो एनालिसिस निकल के हम लोगों का आ रहा है, दैट इज आपका करीबन 601-600 तक में कट ऑफ आ जाना चाहिए। यानी कि अगर जनरल 616 था तो हम 15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं यहां पे ऑल इंडिया कोटा में। अगर ऑल इंडिया कोटा में 15 नंबर का जनरल करने जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि करीब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं तो भैया इट्स अ गुड थिंग। हो सकता है इससे -5 और +5 भी हो, बट अगर 600 तक आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यस इट्स अ गुड स्कोर, क्योंकि 13,000 की रैंक अंडर यही आ रही होगी। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 525 मार्क्स आए थे 66916 पे, तो यहां पे अगर हम देखें करीबन 65,000 की अगर हम रैंक को यहां पर कंसिडर करें दोस्तों, तो ये आपका आ रहा होगा करीबन 480 के करीब, 478 के करीब। तो यानी कि जो 525 मार्क्स है उसमें करीबन से करीबन 40-50 मार्क्स तक का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अगर अभी हम यूपी स्टेट की भी बात करेंगे, ये हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, तो यहां पर आप मान के चलिए कि पहली बात तो अगर आपकी ये स्कोर आ रहे हैं तो भैया मजे आ गए तुम्हारे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बट
अगर कम आ रहे हैं तो डिफरेंस क्रिएट कितना होना है वो देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों एससी के डिग्री की, करीबन 85,000 की रैंक आ रही है, 85,000 की रैंक जहां पर आ रही है यहां पर कितना है 502, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये करीबन 465 या 468 के करीब। तो यानी कि अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो भैया मजे आ गए तुम्हारे, आराम से तुम्हें एडमिशन इस बार यूपी में मिलने वाला है, नए कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, सीट्स भी बढ़ रही हैं, हर चीज बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे है। बट अगर ये मार्क्स आ रहे हैं तो भैया तुम्हें कॉलेज मिल ही गया, कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है जी। स्टेट कोटा की बात करें फटाफट से, यस एवरीबॉडी लाओ लेट्स कम टू स्टेट फॉरवर्ड। हम यहां पर स्टेट कोटा की बात करते हैं सेकंड राउंड की, और हर एक छोटी छोटी कैटेगरीज को मैं यहां पर लेने वाला हूं, ठीक है। अनरिजर्व की सारी कैटेगरीज ले ली है मैंने, ओपन गर्ल कैटेगरी, एक्स सर्विस, फ्रीडम फाइटर, एनसी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप, सारी कैटेगरीज को आपके सामने रख दिया है। आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, वही करना है जो मैंने बताया, आपको रैंक चेक करनी है, मार्क्स चेक करने हैं, कॉलेज तो अलॉटेड है ही है। जो जनरली क्या होता है अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग में ऑब्वियसली आपको नीचे वाले कॉलेजेस ही ज्यादा मिलते हैं, तो ये नीचे वाले कॉलेजेस हैं यहां पर 607 608। अगर आप अनरिजर्व हैं, जनरल कैटेगरीज में बिलोंग कर रहे हैं, तो 607 608 के करीब यहां पर आपके रैंक मार्क्स आ रहे हैं लास्ट ईयर 2020 के अंदर। इस साल क्या करना है, 15 से 20 मार्क्स कम कर देने हैं। तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 580 585, तो सही है, इस बार स्कोरिंग अच्छा है, इस बार आपको हमें लगता है कि यस यू विल गेट अ चांस। डेफिनेटली आपको यहां पर रैंक भी कंसीडर करनी है। रैंक कैसे कंसीडर होगी, देखिए 16,000 पे अगर हम मान के चले तो यहां पर जो रैंक आ रहा है बेटा 16,000 पे, दैट इज कमिंग अराउंड 587, बिल्कुल सेम वही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो अगर हम इसको यहां पर ले लिया, इस रैंक को कंसीडर कर लिया, तो मजे आ गए। तो ये जरूरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि 2021 वाला जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है रैंक वर्सेस मार्क्स का। आगे देखें, आगे कैटेगरी आप निकाल लोगे अपने आप, ठीक है। और ये जो लोअर कैटेगरीज है, लोअर मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो नीचे रैंक मार्क्स वाली कैटेगरी है उनको तो निकालने की जरूरत नहीं है यार, उनके तो मार्क्स इतने तो आ ही जाने चाहिए, राइट। इसके बाद यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपके सामने है जी सारी की सारी सेम कैटेगरी, सारी की सारी मैंने आपके सामने निकाल दी है। मेहनत करिए दोस्तों, प्लीज मेक श्योर आप लाइक जरूर करें यार वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, दिखाएं उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिटी दिखाएं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ठीक है। 606 मार्क्स, अगेन हम वही बात मान के चलते हैं यार कि 17,000 पे क्या रैंक आ रही होगी और इस साल हमारे कितने मार्क्स बन सकते हैं, तो 15 से 20 मार्क्स का तो मिनिमम डिफरेंस आपको क्रिएट करना ही करना है। ये रही आपके सामने, जरूर से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के जब लिखेंगे ना तो कमेंट जरूर करिएगा अपने मार्क्स भी, ठीक है। चाहे कम ही क्यों ना हो, प्लीज कमेंट मार्क्स जरूर करिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाकी स्टूडेंट से, प्लीज डोंट डीमोटिवेट मत करिए बेटा, मोटिवेट करिए अपने दोस्तों को, अपने साथ जो है उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि जब आपकी सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, जब आपकी सराउंडिंग पैशनेट होगी, तभी आप एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। ये रही ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। इसके बाद बात करें बीसी कैटेगरीज की, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस की। ये रही सारी की सारी सेम, आप देख सकते हो यहां पर, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये कॉलेजेस इनको मिले हैं, अरे वाह प्रयागराज मिल गया इसको, ठीक है। इसके बाद ये लो जी एसटी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी में भाई साहब लखनऊ भी आ रहा है, केजीएमयू लखनऊ, बट स्टिल कोई बात नहीं, कैटेगरी है तो यहां पर आपको ही दिख गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर ये चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी कि यार अगर आपकी ये कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही मस्त तरीक चल रही है। बट अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कितने कम आ रहे हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब आपको लगता है कि नहीं सर, जितने आप बोल रहे हो उससे तो मेरे बहुत ही दूर हूं, मतलब मैं बहुत ही दूर हूं उससे, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, सबको पता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप फैमिली प्रेशर को फील करें, आप ये करें कि यार मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, यार मैं एक साल ड्रॉप करूंगा, मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, मेरे दोस्त सीनियर बन जाएंगे, मेरे रिलेटिव जो होंगे वो हर फंक्शन में मुझे बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है, तूने एक साल ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी चीजें होंगी। मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं, यही होगा, और भी कुछ होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कि 15-20 चीजें आपके सामने पीछे पड़ी होंगी इस पूरे के पूरे 8 महीने में जब तक 2022 में एग्जाम नहीं होता, बट एक जो है, एक जो चीज है वो इन सब पे भारी पड़ने वाली है, एंड दैट इज योर ड्रीम, दैट इज योर ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर, दैट इज योर ड्रीम टू बिकम, कि हाँ यार मुझे अपनी ड्रीम पूरी करनी है, मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, मुझे करके दिखाना है इस दुनिया को, मुझे रिश्तेदारों को करके दिखाना है कि भैया ये वही तरनदीप है जो कर सकता है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि यार ये वही रोहित है जो कर सकता है, ये वही साक्षी है जो कर सकती है। तो भैया अगर आप लोगों को लगता है ना कि यार मेरा स्कोप है, मेरे मार्क्स कम आए, मुझे पता है मेरी गलतियां क्या है, उस गलतियों को सुधारने का सिर्फ एकमात्र ऑप्शन ये है बेटा कि उसको फेस करना। अगर आप गलतियों को फेस नहीं करोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट एनीथिंग। आप लाइफ के अंदर ना बहुत सारे डिसीजन अभी आपके सामने आने वाले हैं, ये जो डिसीजन है ये तो बहुत छोटा डिसीजन है। अब यहां देखो ना, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट ये कहता है कि करीबन
40-50% स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वो सारे के सारे बेवकूफ है? नहीं है, उनको पता है उनको क्या करना है। उनका जो सपना है ना मेडिकल डॉक्टर बनने का, उनको ये है कि मैं एक साल बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, बट बनूंगा जरूर, ठीक है, मतलब थप्पड़ मार के दिखाऊंगा रिश्तेदारों को। बोलते हैं ना ऐसे कि भैया थप्पड़ मार के दिखाऊंगा उन रिलेटिव्स को जो हमें मुझे बोल रहे थे कि तेरे से कुछ नहीं होगा। तो भैया अगर करना है ऐसा करके दिखाना है तो बेटा देखो, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करके दिखाया, ये वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपने सपनों को पूरा किया, एक साल बाद किया, दो साल बाद किया, बट करके दिखाया। केल्विन से पहले ये कहां पर थे, अब ये कहां पर आए, ये करके दिखाया। 498 से 652, 381 से 622, 311 से 638, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेटा यहां पर हमारे यहां पे प्लेटफॉर्म में कोचिंग किया, ऑनलाइन कोचिंग किया है और इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप परफॉर्म कर सकते हो, आपको लगता है कि अंदर एक जील है, एक सपना है, देखो कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए यार, कुछ भी करने के लिए एक पर्पस चाहिए। अगर वो पर्पस है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा ये नीट 2022 के लिए बेटा फुल ईयर बैच है जो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हो इसके बारे में डिटेल में जानना, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, टीचर्स आपको बेस्टेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं, 15 से 20 साल का जिनका एवरेज एक्सपीरियंस है, खुद एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरेट्स हैं, एचओडीज हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि उनसे कोऑर्डिनेट करना है, उनसे जाके पढ़ना है, और ऑनलाइन में बच्चे कहते हैं कि बहुत दिक्कत आती है सर, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, डाउट्स नहीं हो पाते, तो बेटा जब आप एक हफ्ते का डेमो क्लास लेके देखोगे ना, तब यू विल गेट टू नो। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 वीक का डेमो चल रहा है, यस, 1 वीक का डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है बेटा, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को 1 वीक का पूरा केल्विन एप्लीकेशन का एक्सेस दे रहे हैं, जिसके साथ साथ ये पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं ये भी आपको 1 वीक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो यार कि 1 वीक में ट्राई कर लेता हूं यार जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगर रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, अभी तक बड़ा कोई काम नहीं कर रहे, काउंसलिंग ही कर रहे हो, काउंसलिंग साथ साथ चलती रहेगी, बट टाइम नहीं वेस्ट करना। डोंट थिंक कि दिसंबर के बाद सोचूंगा, भैया मत करिए ये चीज। दिसंबर के बाद मतलब समझ रहे हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने हैं जिसके अंदर आपको सारा का सारे रिवाइज करना है, सारी चीजें करनी है जो आपने अभी 2 महीने से छोड़ी हुई है। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप 2022 के सपने 2022 में सपना पूरा करना चाहते हो तो ये रहा नंबर 9658588588 पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक डेमो का फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो मिल रहा है एक हफ्ते के लिए, तो जरूर से बेटा उसको अटेंड करिए। हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे और आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करते हो, ठीक है जी। बाकी कोई भी डाउट्स होते हैं, वी आर ऑलवेज हियर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लगातार मिलता रहे, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं नई नई वीडियोस में। यूपी के सारी कॉलेजेस की वीडियोस को ट्राई करेंगे लाने का। आप लोग जरूर से कमेंट करिए किस स्टेट से हैं, कौन सा कॉलेज आपका पसंदीदा है, उस पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।